और चलिए बड़ी खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल उदयपुर के दौरे पर हैं। मेवाड़ की 3 लोकसभा सीटों को साधने पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। अमित शाह बलीचा कृषि मंडी में बैठक लेंगे। भाजपा के 6 संगठन जिले के पदाधिकारी में जोश भी भरेंगे। भाजपा के पदाधिकारी जुटे हैं शाह के दौरे की तैयारियों में। कल शाह बीकानेर से उदयपुर पहुंचेंगे। तो लोकसभा का चुनाव नजदीक है और इसको लेकर अब बीजेपी अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई है। अब गृहमंत्री अमित शाह का ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उदयपुर के दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह। मेवाड़ की 3 लोकसभा सीटों को साधेंगे अमित शाह। अमित शाह के दौरे को लेकर अधिकारीगण तैयारियों में जुटे हुए हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां भी देखिए पूर्ण यहां पर की जा रही हैं। लेकिन ये दौरा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अमित शाह बलीचा कृषि मंडी में बैठक लेंगे, पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। भाजपा के 6 संगठन जिले के पदाधिकारियों में जोश भरेंगे। विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए। लाल सिंह, जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे अब बीजेपी अपने आप को और मजबूत करने में लग चुकी है। तैयारियां भी पूरी की जा रही हैं। कल गृहमंत्री अमित शाह का उदयपुर दौरा है, ये दौरा चुनाव को लेकर कितना ज्यादा खास माना जा रहा है लाल सिंह? देखिए बिल्कुल आप समझिए, जिस तरह कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मोदी की हुंकार और मोदी जीत मंत्र के बाद पार्टी कार्यकर्ता पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। एक और जहां अन्य पार्टियों के नेताओं की पार्टी में वापसी हो रही है, हाथ का साथ छोड़कर कमल थाम रहे हैं, जैसा कि आज देखा हुआ आपने, महेंद्र सिंह मालवीय ने भाजपा का दामन थाम लिया। वहीं दूसरी ओर एक विशेष रणनीति के तहत दिग्गज नेताओं के दौरे तय किए गए हैं। क्लस्टर के हिसाब से दिग्गज नेताओं के दौरे होंगे। पार्टी में इस बार क्या है, 3 लोकसभा क्षेत्रों को लेकर एक क्लस्टर तैयार किया गया है। एक क्लस्टर में 3 लोकसभा क्षेत्र होंगे, बाकी केवल एक अजमेर का जो क्लस्टर बना है उसमें 4 लोकसभा क्षेत्र है, क्योंकि राजस्थान में 25 लोकसभा क्षेत्र है। ऐसे में 7 क्लस्टर में 3-3 और 8वें क्लस्टर में 4 लोकसभा क्षेत्रों को रखा गया है। इस कड़ी में 3 जगह पर बैठक लेंगे, 3 स्थानों पर 2 स्थानों पर क्लस्टर की मीटिंग रहेगी और जयपुर में प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद कार्यक्रम रहेगा। रचा सबसे पहले बीकानेर पहुंचेंगे, करीब 11:55 पर वो पहुंचने का कार्यक्रम है उनका। उस वहां पर जो क्लस्टर बना है 3 जो लोकसभा क्षेत्रों के, बीकानेर, चूरू और श्रीगंगानगर, इन लोकसभा क्षेत्रों के चुनिंदा कार्यकर्ता जिनको प्रबंध समिति की जिम्मेदारी, लोकसभा प्रबंध समिति की जिम्मेदारी है, कमेटियों की जिम्मेदारी है, करीब 250 कार्यकर्ता के आसपास मौजूद रहेंगे। यानी कि जिनको लोकसभा चुनाव से जुड़ी समितियों की जिम्मेदारी है वो कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में रहेंगे। इस दौरान मोदी जीत का मंत्र, जो मोदी का जीत का मंत्र है उसकी चर्चा हम साथ करेंगे और साथ ही आने वाले दिनों में किस तरह चुनावी रण में आपको उतरना है, किन मुद्दों के साथ उतरना है, कैसे आपको माइनूटली मेहनत करनी है, क्योंकि पार्टी ने एक और लक्ष्य तय किया रिचा कि हर बूथ पर 370 मत अधिक प्राप्त किए जाएं। वो कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, आपको संपर्क करना है, लाभार्थियों से मिलना है। जैसा कि पीएम मोदी लगातार कह रहे हैं कि हमारे लिए 4 जातियां हैं, युवा, किसान, मजदूर और महिला, गरीब और महिला, यानी कि इनको लेकर पार्टी विशेष रणनीति के तहत काम कर रही है। इसी रूप में दौरे को देखा जा सकता है। बीकानेर के बाद उदयपुर में भी क्लस्टर मीटिंग रहेगी। इसमें उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के, बांसवाड़ा, डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र के और चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के चुनिंदा कार्यकर्ता, यानी कि जो पार्टी के पदाधिकारी हैं जिनको जिम्मेदारी है लोकसभा चुनावों में, वो मीटिंग में भाग लेंगे। उदयपुर मीटिंग करने के बाद जयपुर करीब 5:30 और 6 बजे। दिल्ली में 2 दिवसीय अधिवेशन भी हुआ और उसके बाद अब जितने भी जो बड़े बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो अब अपने मैदान में आकर इससे चुनाव को जीतने की पूरी कोशिश भी करेंगे। साथ ही पदाधिकारियों के अंदर भी जोश भरा जाएगा और उनको जीत का मंत्र भी दिया जाएगा। शुक्रिया लाल सिंह फौजदार अधिक जानकारी देने के लिए।